हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। अपने बच्चों को घर बैठे बैठे ग्रूम कैसे करना है, रीजनिंग स्किल्स पे कैसे काम करना है, अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ानी है, कॉग्निशंस पे कैसे काम करना है, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ का पैक है जो कि स्मार्टो किड्स की तरफ से है। आज जो मैं आपको बॉक्स दिखाऊंगी वो 3 to 4 एज वाले बच्चों के लिए है। 11-in-1 कॉम्बो पैक है, प्ले एंड लर्न। खेलते खेलते बच्चा कब कोई टारगेट या कब कोई स्किल सीख गया बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। और सारे का सारा जो है ये एक्टिविटी बॉक्स है। इसमें 7 एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल पाउच में है सारी की सारी एक्टिविटीज़। क्योंकि एक्टिविटी करने के बाद सम टाइम हमें समझ में नहीं आता कि सामान कहाँ पे डालें, तो ऑलरेडी आपको पाउच मिलेंगे। 1 स्टोरी बुक है, 1 एंगेजमेंट ट्रैकर है, 1 स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर है एंड 30 एक्टिविटी शीट्स। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये बॉक्स मिल जाता है। रीत की वीडियोस मैंने बीच में डाली हैं, इधर 3 to 4 वाला बॉक्स है, बट इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो रीत को नहीं पता थी। बट यस, ये देखिए, इस तरीके का स्टोरी बुक आपको मिलेगा। स्टोरी बुक की आप फोटोज देखिए, बिल्कुल क्लियर है और सारे पेजेस जो हैं लैमिनेटेड पेजेस हैं। ओके, वीडियोस मैं आपको साथ साथ डालती जाऊंगी। पहले हम रीत का स्टोरी, पहले मैं दिखाती हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। एंगेजमेंट ट्रैकर है, आप इनके हिसाब से भी चल सकते हैं कि day 1 पे आप ये कराएं, day 2 पे आप ये कराएं, इस तरीके का कि बच्चों को कैसे एंगेज रख सकते हैं। और यहाँ पे आप मार्क करके बताएंगे कि बच्चे ने कैसा किया। जैसे हम यहाँ पे है, यस वी डिड इट, वर्कशीट, स्टोरी टेलिंग एंड अदर स्टोरीज। ओके, सो इट्स अ ब्यूटिफुल एंगेजमेंट ट्रैकर। अदर थिंग इज स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर। जो जो स्किल्स पे या जो जो टारगेट्स इस बॉक्स को करने से अचीव होंगे, ये सारे इसमें मार्क किए गए हैं। किन किन चीज़ों पे मेजरली काम होगा वो है फिजिकल, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, सोशल एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ओके, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुली पाउच है। हर पाउच के ऊपर मार्क किया गया है, जैसे ये फिंगर पेंटिंग है, नेक्स्ट इज जिग्सो पजल, ओके, अदर वन इज बैनर मेकिंग, नेक्स्ट इज एनिमल फैमिली, अदर वन इज मिरर फन। मीन्स ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अदरवाइज हमारा बच्चों को कराने की तरफ ध्यान नहीं जाता। ट्रायो मैचिंग, और सबसे अच्छी बात है कि इस किट को हम अपने बच्चों को करा सकते हैं जिन बच्चों का फिजिकल और मेंटल एज में गैप है। ब्यूटीफुल क्योंकि विजुअली बनाई गई है और सारी ही चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। मैच ओ मैनिया मीन्स मैच करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल शीट्स हैं इसके अंदर, लैमिनेटेड शीट्स। ओके, और ये 30 शीट्स आप डेली कराएगा बच्चा करेगा, और आपने कराना है डेली का 1 शीट। देखो रीत ने किया हुआ है, फर्स्ट है 15 डिफरेंसेस, स्पॉट द डिफरेंसेस। इस तरीके से देखिए कलरफुल शीट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए बच्चे का अपने आप ही इनमें इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके की 30 शीट्स आपको मिलेंगी। सो पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि रीत ने इन सारी ही एक्टिविटीज़ में कैसे इंटरेस्ट लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैच मैनिया। सो पेरेंट्स, इस एक्टिविटीज़ से जो बच्चे की इमेजिनेशन है, अटेंशन है, रीजनिंग है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, जिससे मेमोरी इंक्रीज होगा, फैमिलैरिटी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, इन सारी ही चीज़ों को ये जो गेम है ये इन्हेंस करेगा, जिसका नाम है मैचा मैनिया। सो आप लोग देख सकते हैं, एक तो बच्चा खुद से चूज़ कर रहा है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कि मैं कौन सा जो एक्टिविटी है आउट ऑफ दिस मैचा मैनिया कौन सा मैं सेलेक्ट करूँगी और कौन सा मैं करूँगी। इस तरीके के टोकन्स आपको साथ में मिलेंगे। बच्चे को सोच समझ के जो है वो कलरफुल टोकन्स प्लेस करने हैं। बहुत ही प्यारी जो है ये रीजनिंग एक्टिविटी है। आप देखिए रीत को कितना मज़ा आ रहा है, इवन उसको सोचना पड़ रहा है। एक्चुअली मार्केट में हम लोग जाते हैं तो इस तरीके का सामान मिलना इजी नहीं है। इवन मैंने बहुत बार ट्राई किया बट शॉपकीपर्स को समझ में ही नहीं आता कि मैं किस चीज़ का डिमांड कर रही हूँ। बट ये जो किट है स्मार्टो किड्स, ये बहुत ही तरीके से बनाई गई है, सारे बच्चों की नीड्स फुलफ़िल होगी।
जो हम सोचते हैं कि रीजनिंग पे कैसे काम करें, घर बैठे बैठे कम्युनिकेशन पे कैसे काम करें। आप देखिए जो ये रीत एक्टिविटी कर रही है उसमें रीत को साइंस को अंडरस्टैंड करना है। सो ब्यूटीफुल एक्टिविटी। एनिमल फैमिली, देखिए रीत को कितना इंटरेस्ट आ रहा है सारी ही एक्टिविटीज़ में। पेरेंट्स, इस जो एक्टिविटीज से है बच्चों का जो नॉलेज इंक्रीज होगा कि जैसे हम लोगों को रहने के लिए हाउसेस चाहिए वैसे एनिमल्स को भी चाहिए। एनिमल्स के बेबीज़ के बारे में नॉलेज होगा जिससे कि बच्चों का एनिमल्स के लिए एम्पथी फैक्टर भी ट्रिगर होगा। सो बच्चे का जनरल नॉलेज विल इंक्रीज, स्कूल का क्यूरिकुलम कंप्लीट हो सकता है, एनिमल्स, बेबीज़ एंड देयर हाउसेस। सो ब्यूटीफुल एक्टिविटीज़ हैं, कलरफुल कार्ड्स हैं जिससे बच्चे का जो इंटरेस्ट है डेट विल बी ऑटोमेटिक। सो देखिए आप रीत कैसे इंटरेस्ट ले रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है सॉर्ट करना पैरेट का फैमिली, पैरेट का यू नो बेबी और उसका हाउस, स्पाइडर, स्पाइडर का बेबी एंड स्पाइडर का हाउस। सो इस तरीके के बहुत सारे कार्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें बच्चे एनिमल के बेबीज और उनके हाउसेस दिखाए गए हैं। देखिए रीत कितना अच्छे से कर रही है और कितना इंटरेस्ट से कर रही है। बुक मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, स्टोरी बुक। और आप देखिए इवन रीत कितने ध्यान से बुक को सुन रही है, स्टोरी को सुन रही है, चंदू की स्टोरी, फार्मर। ठीक है, चंदू द फार्मर। हाँ, चंदू था एक फार्मर, किसान। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर चंदू। इसका नाम क्या था? चंदू। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग क्या होता है? हार्ड वर्किंग मतलब ज़्यादा काम करना, बहुत मेहनत करना, राइट रीत? ही लव्ड हिज फार्मिंग वर्क। इसको अपना जो फार्मिंग का वर्क था वो बहुत ही पसंद था। ओके, वंस देयर वॉज नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम तक क्या नहीं हुआ था? नो रेन, बारिश नहीं हुई थी। पीपल वर वेरी अपसेट। पीपल क्या थे? बहुत दे निगलेक्टेड देयर फार्म्स। ओ, फिर उन्होंने जब आई नहीं बारिश, इतना हार्डवर्क करते हैं सारे फार्मर्स, तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस बार तो रेन नहीं आनी, तो उन्होंने अपनी खेती छोड़ दी, फार्मिंग छोड़ दी। बट चंदू वुड गो टू हिज फील्ड्स इन द मॉर्निंग एंड प्लॉ देम। पर चंदू ने नहीं छोड़ा, चंदू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बोला कि नहीं, मैं अभी भी अपनी फार्मिंग करूँगा, अब सब कुछ करूँगा। अदर्स रिगार्डेड हिम स्टूपिड। बाकी सारे फार्मर्स ने इसको क्या सोचा चंदू को, कि ये तो क्या है, स्टूपिड। स्टूपिड क्या होता है? कि बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है कि इस बार बारिश तो हो ही नहीं रही, तो बार बार क्या इसको करने से क्या होगा। ठीक है, एंड मेड फन ऑफ हिम। और सारे किसान इसके ऊपर क्या करते थे? हंसते थे। शाबाश, देखो कितनी क्लियर पिक्चर्स है ना। वन डे अ स्मॉल क्लाउड वॉज वॉचिंग चंदू इन द फार्म। ये क्या आया? क्लाउड। जब हम मेहनत करते हैं ना मेरा बेटा, तो देखो सारी सिचुएशन हमारे फेवर में हो जाती है। मतलब देखो बाकी सारे फार्मर्स इसके ऊपर हंसते थे, इसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि क्लाउड को भी नीचे आना पड़ गया, राइट? तो वन डे अ स्मॉल क्लाउड वॉज वॉचिंग चंदू इन द फार्म। द स्मॉल क्लाउड आस्क चंदू, डोंट यू नो देयर इज गोइंग टू बी नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर क्लाउड इसको क्या पूछता है कि क्या तुम्हें चंदू, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस बार रेन तो नहीं होनी? ओके, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड इन योर फार्म। क्लाउड पूछता है कि क्यों तुम इतनी मेहनत कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि इस बार रेन होनी नहीं है। चंदू लुक्ड अप, चंदू ने ऊपर देखा एंड टोल्ड द क्लाउड बट सम डे इट विल रेन। बट क्लाउड को क्या बोला कि कोई बात नहीं, कभी तो रेन आएगी ना, एंड माई एफर्ट्स विल सक्सीड। और मैं जितने भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ उसको फ्रूट मिलेगा, राइट रीत? उसके बाद द क्लाउड वॉज हैप्पी विद चंदूज आंसर। क्लाउड बहुत खुश हो गया कि चंदू ने कितना अच्छा आंसर किया, देखो मेहनत से करने से बिल्कुल नहीं डरता ये, एंड डिसाइडेड टू पोर रेन जस्ट ऑन हिज फार्म। और क्लाउड ने क्या सोचा कि मैं सिर्फ चंदू के फार्म पे रेन करूँगा, औरों के फार्म पे नहीं, क्योंकि औरों ने हार्डवर्क ही नहीं किया। ओके मेरा बेटा, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत हार्ड वर्क, ताकि सारी सिचुएशन, सारी कंडीशंस हमारे फेवर में हो। सो पेरेंट्स, इस किट में से मेरा जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है यही ट्राई और मैचिंग। इसमें दो तरीके के गेम्स हम खेल सकते हैं, एक के बर्ड्स के कार्ड्स हैं, रिवर्सिबल कार्ड्स हैं, और दूसरी तरफ हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो आप देखेंगे बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है, 16 स्ट्रिप्स आपको मिलती हैं और 32 पैटर्न प्लस 2 बोर्ड गेम्स हैं जो कि रिवर्सिबल हैं।
ओके, बच्चे को आइडेंटिफाई करना है एनिमल्स को, फिर ढूंढना है और तीन तीन का जो पेयर है वो बनाना है और फिर बच्चा जो है पेस्ट करेगा. सो इससे जो जो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी, रीजनिंग, मेरे को पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी. ये अटेंशन एक्टिविटी है, तो अगर जिन जिन बच्चों को अटेंशन में इश्यूज़ हैं आप डेफिनेटली इस किट को मंगवाएं, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं इस किट में. नेक्स्ट किट है जिक्सो पज़ल्स की. 3 पज़ल्स आपको मिलते हैं और अच्छे पीसेस मिलेंगे आपको. सो पेरेंट्स, इस एक्टिविटी से जो स्किल्स इम्प्रूव होंगे वो है बच्चे का कोऑर्डिनेशन, इमेजिनेशन, अटेंशन, रीजनिंग, मेमोरी एंड अगेन फैमिलैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. बच्चे को इवन हेल्प हो सकता है क्योंकि साथ में जो की दिया गया है उसमें बताया गया है कि ये जिक्सो पज़ल कैसे बनना है, तो बच्चा उसमें से इनिशियली देख के बना सकता है और उसके बाद खुद से बना सकता है. सो इससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, घर बैठे बैठे क्या करें. तो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी है. नेक्स्ट इज फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी. इससे बच्चे का सेंसरी इश्यूज में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि कलर्स में बच्चों को अपनी फिंगर्स डिप करनी है और फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे भी काम होगा. सो पेरेंट्स, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, सेंसरी स्किल्स पे काम होगा, बच्चे को प्रेस करना आएगा एक पर्टिकुलर फिंगर को. आप इवन जब ये शीट्स फिनिश भी हो जाती हैं तो आप एक नॉर्मल प्लेन शीट्स पे अलग अलग स्टोरीज बना सकते हैं जिससे बच्चे को समझ में भी आए कि किस चीज़ में क्या कलर होता है. उससे भी आपके बच्चों का जो है इम्प्रूवमेंट आएगा रीजनिंग में भी. एंड इस जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा वो है आपके बच्चे का फाइन मोटर और सेल्फ एक्सप्रेशन, क्योंकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है. आप इवन रीत को बहुत कीनली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो किस तरीके से वो कीन इंटरेस्ट ले रही है, उसका फोकस कहीं पे भी नहीं जा रहा है, सिर्फ फिंगर पेंटिंग करने की तरफ ही उसका ध्यान है. कॉन्फिडेंस डेफिनेटली सारी ही एक्टिविटीज से इंक्रीज होगा. सेंसरी है, सेंसरी एक्टिविटी है, कोऑर्डिनेशन है और इमेजिनेशन तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा ही होगा. सो प्लीज़ ये एक्टिविटीज़ अपने बच्चों को घर पे कराइए. नेक्स्ट इज़ बैनर मेकिंग. बच्चा बैनर बना के अपने रूम को डेकोरेट कर सकता है. रीत ने तो वेट नहीं किया, इसने पहले से ही बना लिया था, आपको दिखाएंगे अभी इस वीडियो में. पेरेंट्स, इस एक्टिविटी को रीत तो खुद ही मतलब रुक नहीं पाई कि मैं वीडियो शूट कर सकूं, इसने पहले से ही बैनर बनाया. सो यू योरसेल्फ कैन सी कि बच्चा कितना इंटरेस्ट लेता है. नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ मिरर फन. पेरेंट्स, ये जो एक्टिविटी है ये बड़ी डिफरेंट एंड यूनिक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स जो है बच्चा मिरर में देखेगा, उसका कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट आएगा. डिफरेंट चीज़ें इसी तरीके से इस मिरर में देख के बच्चा जो है सीख सकता है, इवन न्यू वोकैबुलरी ऑल्सो. सो पेरेंट्स, एट लास्ट ये ब्यूटीफुल शीट्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई हैं. सारी के सारी शीट्स जो हैं रीजनिंग की शीट्स हैं. समटाइम्स क्योंकि हम आजकल मोस्टली पेरेंट्स जो वर्किंग है तो टाइम नहीं मिलता है कि हम पर्सनली जो हैं वर्कशीट्स बना सकें, तो इस तरीके की रीजनिंग वर्कशीट्स आपको मिलेंगी. कलरफुल शीट्स हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई क्योंकि रीत को पसंद आई. सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको इस किट के लिए जाना चाहिए और आप देखिए रीत का इंटरेस्ट ट्रेसिंग से लेके ऊपर हायर जो लेवल के जो टारगेट्स हैं वो इन शीट्स में दिए गए हैं. 15 डिफरेंसेस स्पॉट करो और वो भी कलरफुल चीज़ों में. बच्चे को फाइंड आउट करना भी बहुत ईजी है. सो बहुत ही प्यारी शीट्स बनाई गई हैं. पेरेंट्स, मेरे हिसाब से 11-in-1 कॉम्बो पैक है, वर्थ है कि आप लोग इसको बाय करें क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज़ ही बड़ी इंटरेस्टिंग हैं. आपको अलग अलग से सिलेक्ट करने का नीड नहीं है, एक ही बॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा. इस बॉक्स का अगर आप बाय करना चाहें तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. आप Amazon, Flipkart और इवन दिए गए जो लिंक है उससे भी आप खरीद सकते हैं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगी 2-3 वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बो पैक. ओके, थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़. थैंक यू.